हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे करेली की सब्जी। इसे बनाना बहुत आसान है और काफी टेस्टी सब्जी है ये। तो आप इसे चावल के साथ खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती है। तो इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कटा हुआ प्याज लिया है, 6 बड़े चम्मच ऑयल लिया है और इसे हमें पेस्ट बनाकर तैयार करना है। इसमें मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 10 से 15 लहसुन की कलियाँ लिए हैं। मैंने यहाँ पे आधा छोटा चम्मच जीरा और 2 तेज़ पत्ता ले लिए हैं, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया का पत्ता ले लिया है, 200 ग्राम मैंने करेला ले लिया है जिसे कि मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और इसे मैंने काट लिया है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसे काटा है। तो मैं आपको एक करेला काट करके बता देती हूँ। तो ये हमने करेला ले लिया है जिसका हम दोनों सिरा काट लेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो हमने इसे काट लिया है, अब हम इसे बीच से काट लेंगे। आप चाहे तो बड़े करेले से भी इसे बना सकते हैं, ये देखिए इसमें बीज बिल्कुल कम है। तो अगर आपके करेले में मोटे मोटे बीज हैं तो आप बीज को भी निकाल लीजिए। तो अब हम इस करेले को लंबा लंबा काट लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम इसे काटेंगे। तो हमने इस करेले को काट लिया है लंबे साइड से, अब हम इसे दूसरी तरफ से काट लेंगे बीच से। ये देखिए मैंने इसे काट लिया है। तो इस तरह से मैंने सारे करेले को काट करके तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखिए हमारा टमाटर अदरक और लहसुन का पेस्ट बनकर तैयार है। अब हम एक कढ़ाई को गर्म करेंगे। कढ़ाई में हम 5 चम्मच ऑयल डालेंगे, 1 चम्मच ऑयल हम बाद में डालेंगे। तो अब हम इसमें करेले डालेंगे, इसे हम चला लेंगे। करेले को हम यहाँ पे शैलो फ्राई कर रहे हैं, आप चाहे तो उसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो हम फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे और करेले को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं करेले अच्छी तरह से फ्राई होने लगे हैं। तो अब हम फ्लेम को मीडियम लो पे कर लेंगे और करेले को हम अच्छी तरह से क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। तो इससे करेले कड़वे नहीं बनते हैं। तो ये देखिए हमारे करेले अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो इसका एक्स्ट्रा ऑयल हम निकालते हुए इसे करेले को निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने सारे करेले को निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने सारे करेले को निकाल लिया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल बचा हुआ है। अब बचा हुआ 1 चम्मच ऑयल भी हम इसमें डालेंगे और जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसमें जीरा और तेज पत्ता डालेंगे। आप देख सकते हैं जीरा तड़कने लगा है। तो अब हम इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे। अब हम प्याज को मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। तो इसे हमें कुछ 2 से 3 मिनट तक ही फ्राई करना है। तो ये देखिए हमारे प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम फ्लेम को लो पे कर लेंगे और इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें हल्दी का पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले अच्छी तरह से पक जाएं। तो ये देखिए हमने इसे मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से और मसाले भी पक चुके हैं। तो अब इसमें बनाया हुआ पेस्ट, अदरक लहसुन और टमाटर का पेस्ट हम इसमें डालेंगे। तो अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे हम 2 से 3 मिनट तक के लिए पकाएंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से पक जाए। तो ये देखिए हमारा मसाला बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं मसाला पैन छोड़ने लगा है, यानी कि ये अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो पानी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने इसमें 1.5 कप पानी डाला है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे और इसे हाई फ्लेम पर बॉईल आने देंगे। तो ये देखिए हमारी ग्रेवी में बॉईल आने लगा है। तो अब हम
इसमें फ्राई किया हुआ करेला डालेंगे, नमक डाल लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम फ्लेम को लो मीडियम पे करेंगे और इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। तो ये देखिए सब्जी तेल छोड़ने लगा है, यानी कि सब्जी बनकर तैयार है। तो इसमें हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे और धनिया का पत्ता डालेंगे और इसे हम एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढककर 1 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि इसमें गरम मसाले का फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए। तो ये देखिए 1 मिनट हो चुका है। तो अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे हम और 1 मिनट तक ढक कर के ही छोड़ेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी बनकर तैयार है। तो अब हम इसे सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगने पे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, बाय बाय।